5 मार्च की रात सोशल मीडिया यूजर्स के लिए बेहद खराब रही। दरअसल एक भूकंप सा आया जिसके चपेट में लाखों लोग आ गए। डरिए मत, ये धरती हिलाने वाला भूकंप नहीं था और कहीं कोई जानमाल का खतरा भी नहीं हुआ, बल्कि सोशल मीडिया यूजर्स इस दौरान काफ़ी परेशान रहे। दरअसल 5 मार्च की रात फेसबुक और इंस्टाग्राम डाउन हो गया था। इसका असर लोगों पर तो पड़ा ही, साथ ही कंपनी के मालिक मार्क जकरबर्ग पर भी इसका असर देखने को मिला। नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। आइए इस वीडियो में जानते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के डाउन होने से मार्क जकरबर्ग की संपत्ति में कितना फासला आया। तो हुआ यूं कि रात को जब थक हार कर इंस्टा पर टाइम पास करने का मन किया तो हमने इंस्टाग्राम खोला। पहले तो वो चला ही नहीं, हमें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। हमें लगा कि हमारा फ़ोन हैंग हुआ है या घर पर वाईफाई नहीं चल रहा है। इतनी अच्छी रील हाथ लगी थी कि उसे तुरंत शेयर करने का मन किया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। खैर, थोड़ी मेहनत के बाद पता चला कि क्या फेसबुक, क्या इंस्टा, पूरा मेटा ही डाउन चल रहा है। सारी दुनिया में लोग इससे परेशान हो चुके हैं। दुविधा की बात ये रही कि मेटा डाउन चल रहा है ये खबर तो बना ली गई, लेकिन अब इसे कहाँ शेयर किया जाए ये समझ नहीं आ रहा था। मेटा के डाउन होते ही लोगों ने अपना रुख ट्विटर की ओर किया, ट्विटर यानी कि एक्स, जिसका जवाब खुद एक्स ने कुछ यूं दिया कि हम जानते हैं कि आप यहाँ क्यों हैं। यहाँ तक कि एक्स के मालिक इलॉन मस्क ने ट्वीट करते हुए लिखा, आप इस पोस्ट को पढ़ पा रहे हैं क्योंकि हमारे सर्वर काम कर रहे हैं। और इसी तरह एक्स पर दुनिया जमाने की मीम वायरल हुए। लोगों ने जमकर हैशटैग फेसबुक डाउन और हैशटैग इंस्टाग्राम डाउन का यूज़ किया और एक्स पर मेटा के जमकर मजे लिए। एक्स पर कुछ इस तरह की लाइनें भी चली कि ईस्ट और वेस्ट, एक्स इज दी वेस्ट। कुछ यूजर्स ने लिखा कि क्या जकरबर्ग का जामनगर का हैंगओवर अभी उतरा नहीं। तो किसी ने मेटा के डाउन होने पर टैगलाइन दी, जामनगर टू जाम। हद तो तब हो गई जब मेटा ने खुद एक्स की मदद ली ये बताने के लिए कि हमें पता है मेटा काम नहीं कर रहा है और हम इसे सुधारने में लगे हुए हैं। और ठीक 2 घंटे बाद मेटा ने फिर एक्स पर वापसी करते हुए कहा, वी आर बैक। ये तो बात हुई रात को आए सोशल मीडिया पर भूकंप के बारे में, लेकिन कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब किसी वजह से आपको आपकी दुकान बंद करनी पड़ी हो और इससे आपको नुकसान भी झेलना पड़ा होगा। ऐसा ही कुछ मेटा के मालिक के साथ हुआ। मेटा की लगभग 2 घंटे डाउन रहने की वजह से मेटा के शेयरों में लगभग 1.5% की गिरावट आई और सिर्फ 2 घंटे में जकरबर्ग को करीब $100 मिलियन का नुकसान भी झेलना पड़ा। अगर पूरे 24 घंटों की बात करें तो मेटा के शेयर गिरने से जकरबर्ग की कुल संपत्ति में $3 अरब का फासला देखने को मिला और इससे $179 अरब से उनकी टोटल नेटवर्थ अब $176 अरब हो गई। जहां लोगों को इतना कमाने में सालों लग जाते हैं, वहां मेटा के मालिक ने सिर्फ 2 घंटे में $100 मिलियन गंवा दिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसी ही एक सुनामी साल 2021 में आई थी जब फेसबुक 1-2 नहीं बल्कि पूरे 7 घंटों तक डाउन रहा था। तो हमें इस बार शुक्र मनाना चाहिए कि हम 2 घंटे ही अपने पसंदीदा इंस्टा और फेसबुक से दूर रहे, वरना टेंशन इस बात की थी कि इंस्टा पर रील देखे बिना आज नींद कैसे आएगी। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।